हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम नोट टेक्निकल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप NPCL एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो भी देखेंगे, और इसके अलावा जो भी नोटिस जारी किए जाते हैं वो कैसे चेक कर सकते हैं, और एक आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर जो आपके रिज़ल्ट अपलोड किए जाते हैं वो आप कैसे चेक कर पाएंगे वो सब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जब भी आपके NPCL का एग्ज़ाम शेड्यूल आता है तो आप एडमिट कार्ड कैसे चेक कर सकते हैं, आपके इसमें दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आपको स्टेफन आपको जीमेल ओपन करना है। जैसे आप जीमेल ओपन करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस सामने आता है। आपको यहाँ पर सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपको देखने को नहीं मिलता है तो आपको सर्च में NPCIL सर्च करना है, और जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने इस एड्रेस जो कि यहाँ पे दिया हुआ है noreply.npclcarriers, इस प्रकार से आपको ईमेल प्राप्त होगा। उस ईमेल को आप ओपन करेंगे, उसी ईमेल के अंदर आपको अपना एडमिट कार्ड अटैच मिल जाएगा। आप यहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा मेथड क्या है, वो मेथड है आपको अपने डिवाइस के ब्राउज़र के अंदर जाना है। जैसे कि मेरे इसमें क्रोम है तो मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है, NPCL टाइप करके सर्च करना है। आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। इसमें आप सबसे ऊपर देख सकते हैं NPCL रिक्वायरमेंट पोर्टल, तो आपको NPCL रिक्वायरमेंट पोर्टल को ओपन करना है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर कैरियर पर क्लिक कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कैरियर पर क्लिक करेंगे। अभी हम NPCL के कैरियर पोर्टल पे हैं। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और अभी जो करंट में वैकेंसी चल रही है उसको चेक करना हो तो आप यहाँ पे करंट रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं, और जो रिक्वायरमेंट पहले जिसके एप्लीकेशन क्लोज हो चुके हैं वो आपको क्लोज्ड रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं, और जिनके एग्ज़ाम कम्प्लीट हो चुके हैं और उनकी सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है उनको आप आर्चिव रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो क्लोज्ड रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट है उनको ओपन करना होगा, और जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं जितनी भी साइट हैं NPCL की सब साइट के यहाँ पर अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। तो अभी NPCL तारापुर द्वारा करंट में एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं, तो अब हम देखने वाले हैं कि आप NPCL तारापुर के एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें NPCL तारापुर वाले सेक्शन पर चलना होगा। जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 रिक्वायरमेंट ऑफ पैरामेडिकल एंड स्टेपनी ट्रेनिंग पोस्ट एट TAPS साइट। आप इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो क्लिक हर टू व्यू डिटेल एंड अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने इसका जो होम पेज है वो ओपन होता है। आप होम पेज में देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपके TMS HRM 01/2023 रिक्वायरमेंट ऑफ पैरामेडिकल एंड स्टेपनी ट्रेनिंग पोस्ट एट TAPS साइट। और आपके एग्जाम से संबंधित जितने भी नोटिस आते हैं यहाँ पर जनरल नोटिस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। जैसे अभी हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं कि कौन कौन से जनरल नोटिस जारी किए गए हैं, तो आपके एग्ज़ाम शेड्यूल और जितने भी नोटिस जारी किए गए हैं उन सभी को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रिंट कैसे कर सकते हैं, और अपना रिजल्ट कैसे चेक कर पाएंगे बाद में जब भी जारी किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट होगी वो भी यहाँ पर साइड में अलग सेक्शन में प्रोवाइड की जाएगी। अभी हम देखते हैं कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने लॉगिन विंडो ओपन होता है। आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो ओपन होता है तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना रहेगा। आपके सामने आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रेस ओपन होगा,
और इसके अंदर आपको जब भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना हो, आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करते हैं, आपका एप्लीकेशन प्रिंट हो जाता है। आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। और जैसे आप एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने आपका एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो जाता है। एप्लीकेशन स्टेटस, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑनलाइन टेस्ट। और यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक प्रोवाइड की गई है। क्लिक हर टू जनरेट एडमिट कार्ड फॉर टेस्ट। आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। जब भी आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, वो स्कोर कार्ड भी आपको इसी सेक्शन में यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस प्रकार अपना रिजल्ट भी यहाँ से चेक कर पाएंगे। जिस प्रकार आप यहाँ से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर रहे हैं, उसी प्रकार आप अपना रिजल्ट और यदि आपको आंसर की प्रोवाइड की जाएगी, वो आंसर की भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो अपने आईडी और पासवर्ड भूल चुका है, तो उसको भी यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट यूज़र नेम का ऑप्शन मिलता है। आप इनका यूज़ करके आप अपना यूज़र नेम प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही में अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि आप अपना एप्लीकेशन कैसे प्रिंट कर सकते हैं, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड कैसे चेक कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स मिलती रहें। और यदि किसी कैंडिडेट को यूज़र नेम कैसे प्राप्त करते हैं और अपना पासवर्ड कैसे रिसेट करते हैं, इस पर भी अगर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।